ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लग रही है कुछ दूर के लिए? देखिए आपको सबको मदद करनी है, जब बड़ी हो जाएंगी ना आप, सबकी मदद करनी है आपको, ठीक है दोस्तों? सीरियसली यार कुछ बातें रुला देती हैं यार। तो दोस्तों खाने के लिए मैंने पैक करा दिया है, थोड़ा लिया है, मतलब जितना मतलब मैं अकेले हैंडल कर सकता कैरी। कुछ है ओढ़ने के लिए? कुछ खाओगे खाना? बैठिए। हेलो, आप बड़ी होकर हेल्प करेंगे सबकी? जी। क्या करेंगी? सबकी हेल्प करेंगी। अभी पापा का तो दोस्तों ये खड़ी मेरी पारो, और आज का वेदर दिखा देता हूँ क्या वेदर हुआ है। ठंड बहुत ज़्यादा है, 11 बज रहे हैं और तापमान है 11, देख सकते हैं 11 डिग्री है। दिल्ली में बहुत ठंड है। बेटी सुधा हेलो करिए सबको, इधर इधर कैमरे में हेलो। आप बड़ी होकर हेल्प करेंगे सबकी? जी। क्या करेंगी? सबकी हेल्प करेंगी। अभी पापा कहाँ जा रहे हैं आपके? कंबल देने, ब्लैंकेट कहते हैं बेटा, क्या कह देते हैं? ब्लैंकेट। आप बड़ी होकर मदद करोगे सबकी? जी। पक्का? लाइए हाथ में लाइए। चलिए मैं चलता हूँ दोस्तों। ठंड काफ़ी है तो अपने किट पहन लेता हूँ। जी बेटा आपको सबको मदद करनी है, जब बड़ी हो जाएंगी ना आप, सबकी मदद करनी है आपको, ठीक है? आप भी करेंगे ना? तो चलिए मैं अपने पारों को थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ। ट्रैक्शन कंट्रोल 1 पे सही है, ऑफ नहीं करूँगा। मेरी बाइक टोटल 1000 किलोमीटर चली हुई है जब से मैंने ली अपनी पारो, तो इस पारो को ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं और 1000 किलोमीटर चल चुकी है। और टाइम आप यहाँ देख सकते हैं 11:11। चलिए निकलते हैं। और आज अकेला इसलिए जा रहा हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं भाई आपके साथ तो पूरी टीम होती है तो आपके लिए आसान है सब करना। तो दोस्तों ये दिखा रहा हूँ कि भाई आप अकेले भी कर सकते हो, बाइक पे सामान बांधो निकल लो, बस नियत होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि सही बताऊँ टेम्परेचर 10 के आसपास है, 10 से 11, अभी आते 11 देखा था बट यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है तो 10 के आसपास होगा। और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो रही है बाइक चलाते हुए, पता नहीं यार कैसे रहते होंगे लोग बिना ब्लैंकेट के एक चादर में। मैंने कई बार देखा है कि भाई खाली एक बोरा ओढ़ के सो रहे होते हैं। अंकल जी अंकल जी ठंड लग रही है आपको? कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए आपको? ठंड तो नहीं लग रही? ठंड लग रही है कुछ ओढ़ने के लिए? देखिए ये लीजिए कंबल ओढ़िए। ठीक है कुछ है ओढ़ने के लिए?
तो दोस्तों मैं आ गया हूँ इंडिया गेट के सर्कल पे। कोहरा, फॉग भी है अच्छा खासा और लिटरली ठंड लग रही है और काफ़ी सन्नाटा है यहाँ। नॉर्मली इतना सन्नाटा, मतलब अभी टाइम 11:30 बजे यहाँ पे, दो रात के 2 बजे भी इतना सन्नाटा नहीं होता, क्योंकि कुछ जो माहौल चल रहा है यहाँ का इस समय, वो NRC और CAB का जो मसला चल रहा है, तो पूरी दिल्ली सही में सोनी से हुई है यार। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ कनॉट प्लेस आउटर सर्कल। चलिए कुछ पैक करा ले जाए अब। तो दोस्तों खाने के लिए मैंने पैक करा दिया है, थोड़ा लिया है, मतलब जितना मतलब मैं अकेले हैंडल कर सकता था, कैरी कर सकता था, उतना मैंने ले लिया है। ब्लैंकेट बची है थोड़ी, अब यहाँ से निकलते हैं। मैं अपने पारों को दोबारा वार्म अप दे रहा हूँ, थोड़ी वार्म अप हो जाएगी क्योंकि काफ़ी देर यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है और टाइम हो गया है 11:46। ठीक है दोस्तों अब निकलते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है बैठना। भाई जी, भाई जी कुछ खाओगे खाना? बैठिए। उनके पास ब्लैंकेट है तो खाने के लिए दे देते हैं। सब्जी रोटी चावल है। ठीक है, ठंड तो नहीं लगती इसमें? कंबल है आपके पास? चलिए खाइए आराम से। चलो पारो, इस काम में मेरा पारो बहुत साथ देती है मेरा। पारो खुश है? हाँ खुश है मेरी पारो। ओढ़ने के लिए नहीं है? कुछ खाया? खा लिया खाना? पारो यहाँ रुक जाओ 2 मिनट, इनको ओढ़ने के लिए कुछ देते हैं। लीजिए भाई, हो रही है। खा लिया? कुछ खाना है? खाना खा लिया। पक्का? पेट भरा हुआ है ना? भूखे मत सोना। चलो उठो। बेचारे बैठे हुए थे, ऐसी ठंड बहुत हो रही है। अरे हाँ जी पारो, मजा आया? और खाना खाया आपने? खाना खाया? बैठिए, मैं लिखा रहा हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
लीजिए। कहाँ रहते गए आप? कुछ है ओढ़ने के लिए? है ठंड तो नहीं लगती? ओढ़ोगे कुछ? दूं कंबल? आप कुछ खाओगे अंकल जी? खाएंगे कुछ जी? कंबल चाहिए? बाबा दुआएं दिए और कुछ नहीं चाहिए। कुछ खाना है तो बताइए, खा लीजिए। अंकल मेरे इतना से काम करते हैं, कहीं डस्टबिन में फेंक देगा वरना रोड पर पड़ा रहेगा। आप कुछ खाएंगे भाई जी? मैं कुछ नहीं, बस यही अब खत्म हो गया रहता। कुछ खाएंगे भाई? खाएंगे कुछ? खा लिया? तो दोस्तों ब्लैंकेट हमारे पास ख़त्म हो गई है, खाने के लिए बचा हुआ है बस। मैं बंजी कॉर्ड अपनी सही कर लेता हूँ। लिटरली काफ़ी ठंड है दोस्तों, सही बताऊँ इन लोगों की हिम्मत है कि कैसे करते हैं ये लोग। निकलते हैं, कुछ खाने के पैकेट्स बचे हैं, खा लेंगे। खाना खाया अंकल जी आपने? खाना खाया? खाना खाएंगे? लीजिए अंकल, खाना खाइए। कुछ खाना खाओगे आप? खाएंगे? रुकिए स्पून और देता हूँ। शुक्रिया, बस दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच। देखो यह है इंसानियत कि कुछ करा किसी के लिए, ये उन्होंने दिया है। दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के करके, किसी के लिए कुछ करके। मैं नहीं जानता ये कौन है, बट लिटरली काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के कि यार और लोग भी कुछ करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है लिटरली। नहीं नहीं शुक्रिया, बस दुआएं चाहिए। इंसान कुछ बंदा था जिसका नाम था देव। क्या नाम है आपका? कभी दुखी नहीं। क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? देव नाम है। देव, चलिए देव जी मुलाकात होगी। मगर मैं तुम्हें ऐसी आप दुआ देके जा रही हूँ। शुक्रिया भाई जान, दुआएं चाहिए बस। जिंदगी में तुम कभी दुखी नहीं रहो, तुम अपनी माँ के बेटे हो। नहीं 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 ऐसा मत करिए। नहीं नहीं इधर देखो, तुम्हारे अंदर इंसानियत है। सोने के लिए है कुछ?
लेने कम्बल एक आध मिल जाए यार देखो इन लोगों ने स्कूटियां भर रखी हैं ब्लैंकेट से। ये है जज्बा, स्कूटियां भर रखे हैं यार लिटरली। ये देखो जिसको मिल रहा है उसको दे रहे हैं। ये है आज की जनरेशन। शुक्रिया भाई जान, शुक्रिया। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, दुआ में याद रखना बस आप। बिल्कुल दोस्तों, सीरियसली यार कुछ बातें रुला देती हैं यार। बहुत कम चांसेस होता है जिसमें आप कुछ करो और करने के बाद ऐसा फील हो कि यार क्या आपने कुछ करा यार, लोग तेरा, ये मेरा ये कर लूँ वो कर लूँ, सब ये रख रह जाएगा यार। खाली हाथ आए थे वो खाली हाथ ही जाएंगे भाई। वक्त का कुछ नहीं पता, आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। दोस्तों जाएंगे हमारे साथ अमाल हमारे, जो हम करते हैं दूसरों के लिए। कुछ खाया अंकल जी आपने? खाना खाओगे कुछ? इसमें पैक हुआ है पूरा और चमचा भी है, स्पून भी खा लीजिए। ओके भाई।